तो गाइस ये देखिए अभी एक दे रहा है, अभी जूम करता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अ गाय वाइल्ड आज बैक विद अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस आज का जो वीडियो है आपने देखा होगा कि कोई स्नेक रेस्क्यू नहीं है, कुछ नहीं है। आज का जो वीडियो है वो एक बटरफ्लाई के ऊपर है। तो गाइस ये जो बटरफ्लाई है वो बहुत ज़्यादा अनकॉमन है। मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पे घूम रहा हूँ, मुझे आज तक वो बटरफ्लाई कभी नहीं दिखा। और जस्ट एक दिन मैं ऐसे ही सुबह बाहर निकला नाश्ता करके, मैं अपने कंपाउंड में घूम रहा था और ये बटरफ्लाई है जो मेरे घर के जो एक प्लांट है उसके ऊपर एग्स ले कर रही थी। तो मैंने तुरंत उसे कैप्चर कर लिया और आपको दिखाने के लिए अभी लेके आया हूँ। तो चलिए गाइस सीधा वीडियो देखते हैं। सो गाइस अभी मैं जस्ट घर के बाहर निकला हूँ और देख सकते हैं आप मुझे कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बटरफ्लाई दिख चुका है। और ये बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा अनकॉमन है मेरे इलाके में, मतलब मैंने आज तक इसे कभी नहीं देखा। और ये यहाँ पे एग्स ले कर रहे हैं गाइस, आपको अगर दिख रहा है तो देखिए उसने एक एक एग ले किया। तो इसका नाम है मंकी पजल बटरफ्लाई और ये ज़्यादा कॉमन नहीं है हमारे इधर, मैंने तो इसे आज तक नहीं देखा जैसे कि मैंने आपको बताया। तो शी सर्चिंग द स्पेस टू ले एग्स, आप देख सकते हैं। और उसने और एक एग दिया। तो मेरे घर के जो अंदर कंपाउंड है तो यहाँ पे ये प्लांट है, इस प्लांट का मुझे नेम तो नहीं मालूम पर इसको पिंक फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे, और हर बिल्डिंग में ये लगा हुआ रहता है आजकल, जो नई नई कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वहाँ पे दोनों रास्तों के बीच में जो रहते हैं वहाँ पे प्लांट्स। तो अब ये बैठ भी नहीं रहा एक जगह पे, अलग अलग जगह पे ये एग्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और क्या डिज़ाइन है उसके ऊपर। इसका नाम मंकी पजल बटरफ्लाई क्यों है आई हैव नो आइडिया गाइस। और फिर से ये उड़ रहा है और एक तो कैमरा एंड टाइम पे फोकस नहीं होता। कलर्स देखिए गाइस इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसकी जो टेल्स है पीछे, तो ये कौन सी फैमिली का है क्या मुझे कुछ नहीं पता, आपको एग्स दिखा देता हूँ उसके। तो ये देखिए गाइस उसके जो एग्स है आपको दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे एग्स है गाइस, मुझे तो दिख भी नहीं रहे। और उनके ऊपर एक टेक्सचर भी है अगर आपको दिख रहा होगा तो। तो और उसने बहुत जगह पे एग्स दिए, मुझे दिख भी नहीं रहे कहाँ कहाँ पे दिए है एग्स, कहाँ चली गई बटरफ्लाई। तो ये रही गाइस, तो गाइस अभी ये यहाँ पे तो एग्स नहीं दिए उसने, और कहाँ पे दे रहे है। तो अब मैं जूम करने की कोशिश करूँगा अगर ये एक ले करती है तो। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस क्योंकि ये हमारे यहाँ पे दिखाई नहीं देते और अभी फ़िलहाल मैंने पहली बार देखा है, तो शायद से यहाँ पे होंगे और इनकी ग्रोथ शायद से होगी। तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं तो इनकी ग्रोथ होगी तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। एग्जॉटिक एनिमल्स की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए हमारे इधर, एक्चुअली एग्जॉटिक एनिमल्स हमारे यहाँ पर रहने ही नहीं चाहिए। तो गाइस ये देखिए अभी एक दे रहा है, मैं अभी जूम करता हूँ। तो आपने देखा होगा गाइस अभी उसने कैसे एक ले किया, कितना ज़्यादा छोटा है गाइस वो एक, देख सकते हैं आप क्लियरली दिख भी नहीं रहा नेकेड आइट से, आइस से तो कुछ भी नहीं दिख रहा, कैमरे के वजह से कुछ थोड़ा बहुत दिख भी रहा है। बहुत ज़्यादा एग्स ले कर चुके हैं वो और वो स्पेस सर्च कर रही है एग्स ले करने के लिए। अभी इनमें से कैटरपिलर्स निकलेंगे और कैटरपिलर्स का पूपा बनेगा, पूपा से एक नया बटरफ्लाई आएगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। ये पूरी जर्नी शायद मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ या नहीं पता नहीं, क्योंकि अगर कैटरपिलर को प्रेडेटर्स ने खा लिया तो हो सकता है। और गाय जहाँ पे डॉग पार्क कर रहा है तो वो भी बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहेगा। मैं आपको फिर से एग्स दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा छोटे एग्स है गाइस वो, और उनके ऊपर का आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि नहीं मालूम नहीं, तो आप देख सकते हैं ये रही बटरफ्लाई और एग्स ले कर रही है। एक जगह पे बैठ नहीं रही वो, बार बार फ्लाई कर रही है यहाँ से वहाँ।
सो गाइज इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं, मैं बाद में देखूंगा इसने कितने एग्स लिखे हैं। तो चलिए गाइज बाय। दिस वॉज मंकी विद पतल बटरफ्लाई और आई होप यू लाइक द वीडियो। और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए यार। और गाइज आपने देखा होगा जो एग्स उसने ले किए तो एक गोल्फ के बॉल को कैसे टेक्सचर रहता है, उस हिसाब से उस एग को टेक्सचर था, मैंने जूम करके भी दिखाया है तो ज़्यादा क्लियर नहीं है पर दिख रहा है। वो एग्स इतने छोटे थे ना गाइज कि मैंने मतलब ऐसे नेकेड आइज से देख रहे थे ना तो दिख भी नहीं रहे थे, पर जब मैंने कैमरे में से जूम किया तब जाके वो ठीक से दिख रहे थे। तो गाइज अभी तो एग्स ले किए तो उनसे कैटरपिलर भी आएगा और कैटरपिलर का ककून बनेगा, ककून नहीं सॉरी गाइज बटरफ्लाई के उसको पूपा बोलते हैं, तो पूपा भी बनेगा और फिर उस पूपा से एक इमर्जिंग बटरफ्लाई भी हमेशा ऐसे देखने मिलेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो सब वीडियोस बनाऊँ। तो फिलहाल तो ये था बटरफ्लाई लेइंग एग्स का वीडियो और देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल बटरफ्लाई था। तो गाइज लाइक तो बनता ही है भाई, इस बार तो लाइक बनता है और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए गाइज। तो ये थी आज की वीडियो, मैं ऐसी और नई वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन लिव यंग लिव फेयरलेस एंड स्टे वाइल्ड। तो चलिए गाइज बाय।